अस्सलाम वालेकुम। आज है 30वां रमज़ान यानी इस साल का आखिरी रमज़ान, और आपको दिखाते हैं कि हमारे घर में बच्चे भी किस तरीके से सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। सबसे पहले इस मीकू को देखो, इसके लगी है भूख तो ये सीसी मांग रहा है और किस तरीके से रो रहा है। क्या बात है, आप देखिए जनाब अली, ये देख लो किस तरीके से बच्चे भी डाइनिंग टेबल की कुर्सियों को साफ करने में जुटे हुए हैं, और एक भेड़ा टाइप का आदमी उधर पे घूम कर आया है, जिसको ज़्यादा काम करना चाहिए था वो घूम रहा है। ये देख लो बच्चे किस तरीके से कुर्सियों को साफ कर रहे हैं। एक दूसरा भेड़ा टाइप का आदमी आया है, जो बच्चे बड़े हैं वो तो घूम रहे हैं बिल्कुल भेड़ा की तरह। तुमको अरे गंदी बात। और ये देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देख लो किस तरीके से कुर्सियों को साफ कर रहे हैं। वेरी गुड। तो भिड़ा नंबर वन, आप सुबह से कहाँ गायब थे? ईदगाह पे क्या कर रहे थे? घूम रहे थे कंचा लाजीम। घर में काम धंधा किया करो बेटा। ठीक है चलो, तुम लोग सफाई अभियान करो, फर्श को साफ करो। जब पूरी डेकोरेशन हो जाएगी यानी पूरी साफ सफाई हो जाएगी, तब लास्ट व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या बात नहीं है, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, सफाई अभियान का कार्यक्रम पूरा हो गया है, बिल्कुल शीशे की तरह चमक गई है ज़मीन। लेकिन भैया कम से कम 4 घंटे लगे हैं, और धुलाई के वक्त ये शीशा भी धड़ाम से गिरा, और ये देखो ये तभी ये सब देख लीजिए टूट गया है। अब ये खबुच्चड़ एंड ये गिद्ध है एंड वो है भिड़ा, ये सब कह रहे हैं, ये जो बीच वाला है ये खबुच्चड़ है, ये सब कह रहे हैं कि हमको पाच चुप रहे गिद्ध साहब, तो ये सब कह रहे हैं कि हमको पार्क टहलाओ। तो देखो थोड़ा धूप हल्की हो जाए फिर पार्क में टहलने जाते हैं। ये देखो अज़का है, अज़का खैतून इधर आओ। ये देखो अज़का है, अज़का चलो बेटा चलाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।